वेलकम टू माई न्यू वीडियो। तो अभी मैं हूँ दोहा एयरपोर्ट में, मैं जा रही हूँ इंडिया। तो ये यहाँ पर मेरा लेओवर है 5 घंटे का। तो मैंने सोचा कि यहाँ का अभी मैं एयरपोर्ट देख लेती हूँ, क्या पता फिर से कभी दोहा आना हो या ना हो। तो मैंने सोचा कि मैं देख रही हूँ तो एक क्विक वीडियो ही बना लूँ जितना मैं एयरपोर्ट देखूँगी। तो चलो देखते हैं दोहा का एयरपोर्ट कैसा है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे और अभी हम देखते हैं कि यहाँ का एयरपोर्ट कैसा होता है। तो ये देखिए, मैं यहाँ से आ गई थी और यहाँ पर ये ट्रॉली वगैरह रखी है और अभी ये हम एक्सप्लोर करते कि यहाँ पर क्या है। ये देखिए, एक अच्छा खासा मतलब खाने का लगाया है यहाँ पर। एक यहाँ पर बहुत सारे शॉप है। तो हम देखते हैं अभी कि दोहा में किस टाइप के क्या क्या चॉकलेट क्या क्या मिलता है। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के डेरी मिल्क है, बहुत सारी तो नॉर्मल वाली है पर मैंने ये वाली देखी नहीं थी। यहाँ पर ईद मुबारक ऐसे लिखा है, तो शायद इंडिया में भी अभी मिलती होंगी ये वाली, पर US में तो मिलती नहीं है। तो मैंने अभी यहाँ पर आके देखी है ये। चॉकलेट की प्राइस है $9.12 और QR में है 33। तो यहाँ पर हॉर्लिक्स है $19 का, ये लिप्टन की ग्रीन टी वगैरह है और सैफ्रॉन है, सैफ्रॉन का प्राइस है $15। तो यहाँ पर मुझे ज़्यादातर वाइन वगैरह और चॉकलेट वगैरह ही दिख रही है, कुछ अलग ऐसा खास दिख नहीं रहा है। और यहाँ के वाईफाई जो भी है ना, एयरपोर्ट का वाईफाई भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है, मतलब कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो आंटी है ना पाकिस्तान से, उनका भी नहीं हो रहा है। तो मुझे कुछ खास उतना खास तो लग नहीं रहा है ये एयरपोर्ट। मैंने सोचा था कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि मैंने सुना है बहुत ही अच्छा है करके ये एयरपोर्ट, फिर भी अभी देखते हैं थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी ये सेक्शन देख लिया, अभी उस साइड पे ऐसे बैग वगैरह दिख रही है, गॉगल दिख रहे हैं, तो वो देखती हूँ। और यहाँ पर अगर रेस्टोरेंट होंगे और कुछ दोहा का मतलब इस टाइप का यहाँ का कुछ फेमस होगा ना, तो वो मैं ट्राई करने का सोच रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है अलग अलग, अगर आप कंट्री में जाओ तो उनका खाना ट्राई करो। वैसे मुझे खास कुछ पसंद तो आता नहीं है दूसरे कंट्री का खाना, पर फिर भी ट्राई करना अच्छा लगता है। तो अभी हम बैग देखते हैं, बैग अच्छी दिख रही है, साथ में एक वॉलेट भी है। यहाँ पर ब्रांडेड गॉगल भी हैं। गॉगल कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताइए। तो अभी ये तो देख लिया, अभी मैं फूड के सेक्शन में जाती हूँ। मैंने यहाँ पर एक दो लोगों से पूछा कि फेमस फूड कौन से है, मतलब यहाँ का कुछ है क्या जो खा सकते हैं मतलब खाने लायक। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ है नहीं, एयरपोर्ट में मिलने का चांस नहीं है। पर अभी मैं ही खुद जाके देखती हूँ कुछ है क्या अलग सा यहाँ पर फूड।
उनको मैंने पूछा कि कुछ फेमस बताओ खाने का एक को, तो उन्होंने बोला कि फेमस क्या है, सारी इंडियन चीज़ें अच्छी होती है। मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने ऐसे बोला कि इंडियन चीज़ें अच्छी होती है। और दूसरी को, एक लड़की को पूछा तो उन्होंने बोला कि डेट्स खरीद सकती है तो यहाँ पर मुझे डेट्स वगैरह पसंद नहीं है। तो अभी मैं ऐसे ही खुद देख रही हूँ कि क्या है क्या नहीं। मुझे ये वाला परफ्यूम ना बहुत पसंद आया। अभी ये यहाँ पर अरमानी शनेल के वगैरह परफ्यूम है वो देखती हूँ। यहाँ पर कुछ रखा है वो देखते हैं। ओह वाओ, एक चीज मुझे ये बहुत पसंद आई, ये बच्चों के लिए खेलने की जगह है यहाँ पर। तो चलो अभी ये गोल्ड का है तो देखते हैं दोहा में गोल्ड की प्राइस कितनी है। तो यहाँ पर मैंने गोल्ड की प्राइस पूछी तो इंडियन रुपीस में यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड मिलता है 6100 समथिंग रुपीस का, और US में पूछा US डॉलर में तो $72 का गोल्ड मिलता है 1 ग्राम। तो मैंने पूछा, मुझे इतने गोल्ड के प्राइस की ना आइडिया नहीं है, तो उन्होंने बोला कि इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पर महंगा है पर यहाँ पर टैक्स वगैरह नहीं लगता। तो अभी हम गोल्ड के डिज़ाइन देखते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट का वीडियो कम और यहाँ के स्टोर का ज़्यादा वीडियो हो रहा है। तो अभी एक बार ना सिर्फ एयरपोर्ट देख, अभी हो गया है एयरपोर्ट देख के, अभी बोर्डिंग गेट में जाऊंगी ना तब थोड़ा सा वीडियो शूट कर लूँगी। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है मैं कहाँ से कहाँ आ, तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी बोर्डिंग गेट की तरफ जो कि है E23। ये है ई इस साइड पे, तो अभी हम इस साइड पे जाते हैं।